नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं IRN24। झारखंड के गुमला में शहीद अजय कुजूर का शव बुधवार को देर रात पैतृक गांव बसिया के लुंगटू चापा टोली पहुंचा। शव के पहुंचते ही परिजनों के कंदरन चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो उठा, जहां गुरुवार सुबह पंचायत भवन लुंगटू के प्रांगण में अधिकारी व हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर अभियान SP सरोज कुमार सहित हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर हुए नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच लगातार मुठभेड़ से 6 जवानों में गुमला जिले के बसिया का जवान अजय कुजूर शहीद हो गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव के नजदीक आते ही शिवनी में जिला कांग्रेस कमेटी सक्रिय नजर आने लगी है। शिवनी कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका क्षेत्र में फैली स्थानीय समस्याओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नगर पालिका का घेराव करने नगर पालिका पहुंचे और मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया है। वहीं इसी दौरान पालिका में घुसने को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से नगर पालिका में भाजपा जीत कर आई है, तब से शहर के नागरिक परेशान है। वर्तमान में भाजपा शासित नगरपालिका पर पिछले 4 सालों में भाजपा की नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योजनाओं के नाम पर भी भाजपा के ये नेताओं द्वारा धांधली की जा रही है। इन सभी बातों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पहले नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया, फिर सभी समस्याओं को दूर करने की मांग करते हुए CMO के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। पूरा आंदोलन क्या था, क्या क्या मांगे आपने? नगर पालिका प्रशासन जो है पिछले 4 साल से जब से भी BJP की यहाँ सरकार बैठी है, नगर पालिका में जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। ना पीने का पानी मिल रहा है, ना विकास कार्य को, ना भी कोई काम हो रहा है। 48 करोड़ रुपए हमारी UPA की सरकार में जब कमलनाथ जी मंत्री थे, उन्होंने शिवनी जिले की जलावर्धन योजना के लिए दिया था। भारी भ्रष्टाचार उस जल योजना में हुआ और आज तक वो योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। आज तक हमारे सिवनी जिले का जो नगर का नागरिक है वो पीने के पानी की तरस रहा है। इतना गंदा पानी आता है पीने का कि उससे आप कपड़े धोना पसंद नहीं करेंगे। अब हर तरह से भ्रष्टाचार नगर पालिका में चल रहा है। मॉडल रोड लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि से बनाई गई थी, देखिए जगह जगह थिगड़े लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक वो रोड ठीक से नहीं बन पाई है। तो तमाम ये जो विसंगतियाँ भाजपा की नगर पालिका प्रशासन में चल रही है पिछले 4 सालों से, उसके विरोध में आज ये नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज ये आंदोलन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सिवनी की सीमा से बाहर अधिकारियों और विशेषकर अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है और अनाधिकृत रूप से शहर से बाहर लगभग 8-10 किलोमीटर दूर से आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 8-10 किलोमीटर से मजदूरों को आने जाने में प्रतिदिन लगभग 100 रुपए खर्च होगा, तो वो मजदूरी क्या कर पाएंगे? राजस्थान में आज सिंध उपखंड के दौलतगढ़ कस्बे में मेघवंशी समाज द्वारा स्वामी गोकुलदास प्रतिभावन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह सम्मान समारोह दौलतगढ़ कस्बे के उदयनाथ जी की बावड़ी पर आयोजित किया गया। वह मेघवंशी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया एवं जो मेघवंशी समाज के शिक्षा, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को मेघवंशी अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में आशिंद हुरड़ा के पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा, स्वतंत्र पत्रकार सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के युवा एवं समाज की प्रतिभाएं मौजूद थीं। पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा ने मेघवंशी समाज के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेघवंशी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिसको आगे लाना हमारा दायित्व है। ISO मान्यता प्राप्त जिले का सबसे बड़ा आरा सदर अस्पताल अपनी कारगुजारियों के बदौलत हमेशा ही सुर्खियां बटोरने में माहिर है, लेकिन इन सुर्खियों से सूबे की सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोल देता है। बेड पर बैठे इस मरीज को जरा गौर से देखिए और इसके बगल में खड़े व्यक्ति को देखिए। तस्वीर साफ कह रही है कि इस युवती का इलाज किसी डॉक्टर की देखभाल में हो रहा है, लेकिन यह बात तब झूठी निकली जब हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल शुरू की। यह एम्बुलेंस का टेक्नीशियन है जो बिना डॉक्टर की जानकारी एवं युति का बिना डॉक्टर से चेकअप कराए ही इंजेक्शन अपने मन से दे रहा है। बहरहाल यह मामला जब मीडिया की नजरों में आया तब उसे आनन फानन में किटकैट लगाकर भगा दिया। बिना डॉक्टर के परमिशन के एम्बुलेंस का टेक्नीशियन इमरजेंसी वार्ड में सुई देता है। आपको बता दे चले कि अभी कुछ दिनों पहले सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में जिस तरह एक अनजान महिला ने महिला मरीज को इंजेक्शन लगा दिया था, जिसको लेकर काफी हो हंगामा भी हुआ था। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि सुरक्षा के नाम पर इस अस्पताल में मरीजों की जान को खतरा है।
या ये कहना उचित होगा कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड एम्बुलेंस के टेक्नीशियन के भरोसे है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एम्बुलेंस भी चलाते हैं? ना, चालक है? चालक नहीं है। क्या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एम्बुलेंस चलाते हैं? क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। राजस्थान में बिजोलिया उपखंड मुख्यालय पर न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत शिविर उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में तहसील कार्यालय के नामांतरण, खाता दुरुस्ती, खाता विभाजन एवं सीमा ज्ञान के कुल 181 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वही उपखंड कार्यालय के अपील नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, खाद्य सुरक्षा के प्रकरण निस्तारित किए गए। उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 25 कनेक्शन भी दिए गए। झारखंड फिल्म निर्माता संघ की ओर से कोयलांचल के नए पुराने कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कला के क्षेत्र में कार्यरत 45 कलाकारों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेएमएम नेता अजमूल अंसारी ने संघ के कार्यक्रम की प्रशंसा की और झारखंडी कलाकारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वही इस कार्यक्रम में संस्था के महासचिव उमाशंकर झा, एसएम मेहंदी, हारून रशीद के अलावा काफी संख्या में कलाकार मौजूद थे। आज धनबाद जिला में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धनबाद जिला से हम लोगों ने 52 लोगों का नाम चयनित किया हमारी टीम ने और उन 52 नामों को हम आज झारखंड कला रत्न सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें कला के विभिन्न विद्याओं में ये पारंगत हैं। अभिनेता है, कोई लेखक है, कोई गीतकार है, कोई कैमरामैन है, कोई फिल्म संपादक है, तो कोई फिल्म निर्माता है, इस तरह से है। और इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम झारखंड के धरोहर को, झारखंड के कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उनका सम्मान हो, इसी के लिए ये कार्यक्रम आज रखा गया। मेरे जरिए से धनबाद जिला में जिस अनुसार से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सहयोग चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड फिल्म जो चला रहे हैं, नया नया टेक्निक लाएं और नया नया टैलेंट लाएं, ताकि हमारे झारखंड का भी नाम रोशन हो, हमारे धनबाद का भी नाम रोशन हो। हमारे धनबाद में भी बहुत तरह के अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, उनको उभारने के लिए अच्छा अच्छा तरीका से उसे गाना चाहिए और हमारा धनबाद जिला का उससे नाम भी रोशन होगा। और मेरे जरिए जो सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। बिहार के कटिहार न्यायालय में दिन भर जमकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के लिए आए प्रेमी युगल की जमकर हुई धुनाई। मामला कोर्ट कैंपस की है। बताते चले कि दिल्ली से भगाई गई एक लड़की बबीता, जो एक शादीशुदा 3 बच्चों की मां है, जो कटिहार जिले के मौसिम के साथ प्रेम के जाल में फंसकर दिल्ली से प्रेमी के साथ भागकर शादी के लिए कटिहार कोर्ट पहुंचे थे। फिर क्या था, प्रेमी लड़के की पहली पत्नी के परिजनों ने कोर्ट में प्रेमी प्रेमिका की जमकर धुनाई कर डाली। पूरा कोर्ट कैंपस इस दौरान तमाशबीन बना रहा। फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने मौके से शादी के लिए आए प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड में जमशेदपुर के मुखिया संघ ने पंचायत समिति सदस्यों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन के लिए प्रताड़ित किया जाता है और काम में हिस्सेदारी की मांग की जाती है, जिसको लेकर जिले के उपायुक्त से जांच कराने की मांग की है। वहीं मुखिया अध्यक्ष गणेश सरदार का कहना है कि पंचायत का विकास पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, विकास कार्यों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। पंचायत में जो भी विकास योजनाएं हो रही है, विकास का काम चल रहा है, यहाँ के कुछ पंचायत समिति के द्वारा बार बार हमारे मुखिया लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप हमें सीधे रूप से कमीशन दें और जो भी पंचायत का विकास काम है हमें भी अपनी राशि की बंटवारा करें। लेकिन हम लोग जो भी काम कर रहे हैं पंचायत राज अधिनियम के तहत जो नियम अनुसार है उसी के तहत काम हो रहा है, 14 फाइनेंस का हो चाहे 13 फाइनेंस का हो। लेकिन उसके बावजूद मुखिया को बार बार पंचायत समिति द्वारा डराया धमकाया जाता है, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोग मांग करेंगे कि पंचायत समिति जी का जो मांग है, लोग अपना लड़ाई लड़े सरकार से कि हम लोग को पंच निधि उपलब्ध कराया जाए, पैसा दिया जाए और हमारा जो
14 फाइनेंस का जो पैसा है सीधे पंचायत को भेजा जाता है, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। मैं अपने पंचायत समिति से बहुत परेशान हूँ और हमारे प्रखंड के सभी मुखिया लोग परेशान हैं, क्योंकि पंचायत समिति लोग सारे मुखियाओं को बहुत तंग कर रहे हैं। वो पंचायत समिति जो सदस्य है वो पंचायत मुखिया को, पंचायत सचिव को जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उस जगह कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कमीशन मांगा जा रहा है, अगर कमीशन नहीं देने पर धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप कमीशन नहीं दीजिएगा तो आप लोगों को जो भी जितने भी जांच है सभी जांच कुछ अधिकारी से जांच करवा के आप लोगों को फंसाया जाएगा, आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है। हम सभी मुखिया बहुत डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से बहुत काम कर रहे हैं और काम हो चुकी भी है और वो बार बार जाँच करा रहे हैं। एक बार नहीं, एक योजना का कम से कम 5 बार जांच करा है, तब पर भी पंचायत सचिव लोगों को ये पूर्ण नहीं हुई है कि इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। और आज जो पंचायत सचिव जो है वो भी परेशान है, मुखिया भी परेशान है। बाइक के डिग्गी से उचक्कों के द्वारा रुपए उड़ाने की घटना बगोदर बाजार में थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को उचक्कों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर बगोदर बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान के पास से उचक्कों ने कृष्णा नगर के निवासी राजू मंडल के बाइक के डिग्गी से 1,00,000 रुपए समेत 6,500 मूल्य के कान के टॉप्स ले उड़े, जिसे लेकर भुक्तभोगी ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में एक आवेदन दिया है। वही मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। SBI बैंक से 1,00,000 रुपए निकासी किए और 1,00,000 निकासी करके एक गिफ्ट देने के लिए एक जोड़ी सोने का टॉप दिए थे 6,500 जिसका कीमत लगा था, और उसको डिक्की में रख के सुजीत जी मोबाइल दुकान से एक प्लास्टिक मांगने के लिए गए। बस एक मिनट का फासला नहीं था, मोटरसाइकिल अकेले किनारे खड़ा है अंदर में जनरेटर के नज़दीक, किसी भी से लौटे तो देखे डिक्की खुला था और सामान गायब। एक और जहां सूबे के मुखिया रघुवर दास कोयला तस्करी को लेकर प्रशासनिक खेमों को समय समय पर कड़ी हिदायतें देते रहे हैं, जिससे कोयला तस्करी पर काफी हद तक अंकुश भी लगा एवं तस्करों के बीच हड़कंप भी मचा। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में छिटपुट कोयला तस्करी जारी है। ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र के सुरुंगा खड़ाम मौजा में एक ट्रक कोयला लगभग 10-15 टन जब्त किया गया। इस अभियान में अलग डीहा ओपी प्रभारी अब्राहम मुर्मू एवं CISF के फ्रांसिस PI ने संयुक्त रूप से काम किया। इस बाबत जानकारी देते हुए अलग डीहा ओपी प्रभारी अब्राहम मुर्मू ने कहा कि जब्त कोयले को BCCL को वापस किया जा रहा है, जबकि ट्रक थाना को सौंपा जाएगा। क्या अकेले अलग डीहा ओपी के नेतृत्व में हुआ है या अन्य कोई CISF बलियापुर की भी कोई भूमिका रही है? किसी तरह की कोई गिरफ्तारी ड्राइवर या खलासी कोई गाड़ी में था ही नहीं सर? अभी ये ट्रक और ये जो माल जब्त किया गया है इसे कहाँ ले जाया जाएगा? BCCL को सौंप दिया जाएगा। और ये ट्रक थाना में लगेगा। BCCL में भेजने का क्या प्रोविजन है सर यहाँ? चूंकि कोयला तो उसी का ना है, उसी को ही रखा दिया जाएगा। हम लोग रखे क्या करेंगे सर? क्या BCCL ने इसके लिए दावा किया है कि कोयला हमारा है हमें चाहिए? नहीं, अभी तक तो दावा नहीं किया। कोयला हम लोग रख के क्या करेंगे, उसका काम है। नहीं तो ये थाना में भी जमा हो सकता था ना सर? नहीं, थाना हम लोग क्यों ढेर करेंगे, हम रोज है ना थाना में तो भर जाएगा थाने। फिर हुई मानवता शर्मसार। मानवता को शर्मसार करने वाला ये दृश्य अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज का है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शव को अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में घंटों रखना कहां की मानवता है। मामला नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग के बरगाजवा के पास की बताई जाती है, जहां विधारवा से पिकअप में सवार होकर 2 मजदूर आम तोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी ड्राइवर हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से संतुलन खो बैठा, जिससे पिकअप पलट गया और मौके पर एक मजदूर सुनील साह की मौत हो गई। ड्राइवर और वाहन मालिक मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे मजदूर को हल्की चोटें लगी, जिसको नरकटियागंज लाया गया, जिसका इलाज नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल के साथ मजदूर के शव को भी लाया गया, जहां अस्पताल परिसर में बाहर ही रख दिया गया, जहां शव घंटों लावारिस पड़ा रहा। कहाँ से आउट लोग? कहाँ जाते लोग? कहाँ घटना हुई? लखो के मरल बा? सुनी के लागल हम गाँव के हुआ वो साथ ही चलो नाम तो जतल हूँ। कौन गाँव के हुआ? गाँव के नाम साई टोला भीता। ड्राइवर गाड़ी के? ड्राइवर भाग गई गाड़ी में छोड़ के। हाँ। गाड़ी पलट भी लगा। हाँ, गाड़ी साफ पलटी मारने बहुत ज्यादा स्पीड में रहा। हाँ, बहुत स्पीड में रहा।
कहाँ की गाड़ी है? पता ना गाड़ी ने बताया और उसकी गाड़ी में लता रहा। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार में बेतिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बर्वत पसराइन चौक पर विगत दिनों बाइक सवार महिला प्रतिमा देवी को गोली मार दी गई थी, जिसमें प्रतिमा देवी के गर्भ में पल रहे बच्चे को गोली लगी, जिसमें इलाज के क्रम में बच्चे की मृत्यु हो गई। महिला बच गई और महिला के पति सुमित कुमार उर्फ लड्डू ने अपने ही गाँव के 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा दिया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। जब महिला को होश आया तो अपने परिजनों से आप बीती बताई। उसके बाद थाने में आकर अपनी आप बीती बताते हुए अपने पति के द्वारा गोली मारने का खुलासा करते हुए बताया कि उसका एक अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध है। कई बार अपनी पत्नी को मारने का प्रयास किया लेकिन वो बच गई। इस बार भी गोली मारी गई जिसमें वो बच गई। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के चक्कर में हम बहुत मारत पीटत रहना, अब लड़की से बतिया तो हमारे बहुत ऐसा करते रहना, छत पर ले गए आवे खातिर तो लोग देख लगे गाँव के, तब वहाँ से लिए लाइन में ले गए रहे गैस जरा गिलास में दे और देते रहते हमारे बेटा रोए लगे आ रुके एकदम कहे बच्चे नहीं हमारे बच्चा ना एगो लड़का एगो बच्चा गोली लगा तो होने लगे 8 महीना के डिलीवरी तो डिलीवरी भी और लड़का भी पेट में मर गया गोली में पूरा लगा। पटना के सिम एवं मोबाइल चिप्स व्यवसायी अरविंद चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले सुजीत यादव उर्फ छोटू अनिल यादव और ब्रिज यादव हैं। सुजीत और अनिल सगे भाई हैं तथा ब्रिज यादव दोनों का पिता है। इनके पास से पुलिस ने 9mm का 2 पिस्टल, एक देशी कट्टा, 7.65 बोर का 2 जिंदा कारतूस और 3.15 बोर का 5 जिंदा कारतूस के अलावा व्यवसायी से लूटे गए 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि मृत व्यवसायी अरविंद चौधरी को नेपाल से मोबाइल चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों पटना में सुजीत पहुंचाता था, लेकिन विगत 2 अप्रैल को जब सुजीत 28 लाख का माल लेकर बस से पटना जा रहा था तब अरविंद चौधरी अपने साथियों के साथ मिलकर उसे नशा खिलाकर 28 लाख का माल लूट लिया था। उसके बाद नेपाल के व्यवसायी से पैसा वसूलने के लिए सुजीत पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण सुजीत ने जमीन बेच कर दिया था। इसी को लेकर सुजीत लगातार अरविंद से बदला लेने का प्लान बना रहा था, तभी उसे मालूम हुआ कि अरविंद 25 जून को रक्सौल आ रहा है। लिहाजा उसने प्लान बनाया और अरविंद से बात करने के बाद सुजीत मोतिहारी में उसके कार में अपने एक साथी के साथ बैठ गया। कार जब सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास के पास पहुंची तब कार पर सवार सुजीत और उसके साथी ने ड्राइवर और अरविंद चौधरी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद ड्राइवर को गाड़ी से फेंक दिया और अरविंद को उसी के कार से साथ लेते गए। रास्ते में अरविंद के पास रखे 16 लाख रुपए को लूट लिया। कार को लेकर भागते समय रामगढ़वा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नहर चौक के पास कीचड़ में फंस गई। लिहाजा सुजीत अपने भाई अनिल के साथ कार में अरविंद का शव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच वैज्ञानिक तरीके से हुई जांच के बाद सुजीत, उसके भाई अनिल और उसके पिता ब्रिज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोमवार 25 जून को एक पटना के व्यवसायी की हत्या हुई थी, यहाँ पर सुगौली थाने के छपरा बहास रोड में। उसमें उसके ड्राइवर को भी गोली लगी थी परंतु वह भागने में सफल रहा था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने चारों तरफ नाकेबंदी की थी तथा जिस कार में वो घटना को डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़ के भागा था वो बरामद कर ली गई थी उसी दिन, तथा उसके उपरांत लगातार छापेमारी करते हुए जो इस घटना में संलिप्त अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूरी घटना का पूरी तरह उद्भेदन हो गया और जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उनको बरामद किया गया है
बदलापुर पश्चिम सोनीवली गांव में बिल्डर व स्थानिक दबंगों द्वारा निरुपमा त्रिवेदी के परिवार व योगेश दुबे के परिवार को उनके मालिकाना घर को छोड़कर जाने के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित निरुपमा पंकज त्रिवेदी व उनके पति पंकज त्रिवेदी जिस क्लैट्स एवेन्यू के बंगलों में पिछले 11 जून 2018 से परिवार सहित रह रहे हैं, उसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वे आरोपी रितेश मिश्रा व इनकी मां विद्या तिवारी के बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन रितेश मिश्रा के कानून का उल्लंघन करके निर्माण करने की आदत व काम के गलत तरीकों को लेकर आपस में हमेशा से अनबन हो रही थी। आपसी तनाव के ज्यादा बढ़ जाने पर आपसी सहमति से दोनों में बिजनेस से रिटायरमेंट की सहमति बनी, जिसके तहत पीड़ित अनुपमा त्रिवेदी व उनके पति को आरोपी रितेश मिश्रा ने 2 रो हाउस व 4 फ्लैट व लगभग 19 लाख देने की बात कबूली थी, जिसका बकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें 2 रो हाउस व 4 रूम के सभी अधिकार त्रिवेदी परिवार को दिए गए और साथ ही करीब 19 लाख के 3 चेक दिए थे। पीड़ित त्रिवेदी परिवार ने भरोसा करके सभी जरूरी एनओसी पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, परंतु हस्ताक्षर होने के तत्काल बाद आरोपी रितेश मिश्रा ने त्रिवेदी परिवार को दिए हुए सभी चेक का भुगतान बैंक द्वारा रोक दिया व माननीय न्यायालय को गुमराह कर त्रिवेदी परिवार को बर्बाद करने के उद्देश्य से तरह तरह से कोर्ट में झूठे मामले दर्ज करना शुरू किया, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जा रहा है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट में मैंने और मिस्टर रितेश मिश्रा करके हैं एक, उन लोगों ने, हम लोगों ने पार्टनरशिप में ये बिल्डिंग का काम चालू किया और बिल्डिंग का सारा काम होने के बाद, सारा पेमेंट वगैरह इवन सारा सोल्ड होने के बाद में मैं 1 महीने के लिए गांव गया था। उस बीच में रितेश मिश्रा ने एक जाली कंपनी बनाई, प्लस मेरे पास कुछ व्हाट्सअप मैसेजेस हैं जिसमें रितेश मिश्रा ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो भी सर्विस टैक्स और इसका जो भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा उसके एक दोस्त है उसकी कंपनी में और एक उसके भाई की कंपनी, दोनों कंपनियों में वो पैसा लो आप। और प्लस उसने एक फ्रॉड सेम नाम से कंपनी बना के और उसने करीबन 30 से 40 लाख रुपया उसने उस कंपनी में घुमा लिया। मैंने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस FIR तो लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वहां पर भी उसके वही उसके पास रनिंग इनकम है, वो हर जगह पैसा दबाता है, हर जगह मैनेज हो जाती हैं चीजें। पंकज त्रिवेदी है, हमको हमारे घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। रितेश मिश्रा आज हमको धमकी देता है कि यहाँ रहोगे तो हम जान से मार देंगे, सिर्फ हमको पुलिस से सुरक्षा की गुहार है कि हमको सपोर्ट करे और हमें अपने घर में रहने दे, हमारे घर में रहने दे बस। जी मेरा नाम योगेश दुबे है, मैंने यहाँ पंकज जी से एक रो हाउस खरीदा था, मैं यहाँ पर इनको प्रॉपर पेमेंट देकर, इन्होंने मुझे पोजीशन दिया हुआ है, बट जैसे ही ये बात रितेश मिश्रा को पता चली वो मेरे को बोलता है कि तुम यहाँ पर आके पोजीशन ले दो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्री कैंसिल कर दूंगा। मुझे कंटिन्यू धमकी दे रहा है, मुझे रोज कॉल करता है, मुझे व्हाट्सअप करता है कि आपका ये पोजीशन जो है अनलॉफुल पोजीशन है, आपको यहाँ पर धमकी कंटिन्यू धमकी देता जान और माल का, बोलता है मैं आपका, आप जाओगे जॉब पर जाओगे, मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। गिरिडीह के सदर प्रखंड अंतर्गत हरिचक में नवनिर्मित शिव पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ में मुख्य वक्ता कृष्णदेव कन्हैया जी महाराज द्वारा शांति, सामाजिक कल्याण, समृद्धि, समरसता और सामाजिक भाईचारा के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि संसार में नारी का स्वरूप सबसे महान है, यदि हम कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या पर विराम नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हमारे समाज में नारी शब्द विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने पर्यावरण के प्रति भी लोगों को सजग रहने की सलाह दी। यज्ञ से प्रभावित होकर लोगों ने फलदार वृक्षों का वितरण किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार।